हेलो दोस्तों, मैं शिल्पी शर्मा स्वागत करती हूं इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज हम एक हिस्ट्री का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक विथ ट्रिक पढ़ने जा रहे हैं और इस टॉपिक का नाम है सुदर्शन झील का इतिहास। अच्छा, इस टॉपिक में ना केवल हम सुदर्शन झील के बारे में पढ़ेंगे बल्कि साथ में हम कुछ ट्रिक्स के माध्यम से कुछ राजाओं के बारे में भी जानेंगे, मौर्य काल से संबंधित कुछ राजाओं की जानकारी, और वो भी ट्रिक के माध्यम से, ताकि आपको ये सारा लर्न हो जाए। तो करें हम शुरू। चलिए देखिए, नाम है सुदर्शन झील का इतिहास और यहां पर मैंने एक सिंबल भी लिया है और इसी सिंबल के माध्यम से हम सुदर्शन झील को याद करेंगे। तो करते हैं हम शुरू। देखिए, कुछ इस प्रकार से सुदर्शन झील हमें दिखाई देती है। और सबसे पहले बात है कि सुदर्शन झील मैडम है कहां पर, इतिहास तो बाद में बताना, हम इसको देखने अगर जाना चाहें तो जाएं कहां। तो ध्यान रखना, सुदर्शन झील जो है वो वर्तमान में है सौराष्ट्र में। कहां पर है बेटा? सौराष्ट्र में। और सौराष्ट्र कहां पर है? सौराष्ट्र है गुजरात में। तो सुदर्शन झील जो है ये वर्तमान में सौराष्ट्र यानी गुजरात में है, ठीक है। दूसरी बात, हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि सुदर्शन झील जो है इसका निर्माण दो नदियों को, यानी दो नदियों के पानी को रोककर बांध बनवाकर सुदर्शन झील का निर्माण किया गया। अच्छा, तो वो दो नदी कौन सी है? तो वो दो नदी है, एक का नाम है सुवर्ण सिक्ता नदी। क्या नाम है बच्चों? सुवर्ण सिक्ता नदी। और दूसरी जो रिवर है उसका नाम है पलासिनी रिवर, पलासिनी रिवर। यानी दूसरी जो रिवर है उसका नाम है पलासिनी रिवर। ओके, तो हमने यहां पर कितना जाना? अभी बस केवल हमने इतना देखा कि सुदर्शन झील कहां पर है? गुजरात में। और दो नदियों के जल को रोककर इसका निर्माण कराया गया। और दो नदी कौन कौन सी है? सुवर्ण सिक्ता नदी और एक है पलासिनी। इसको एक दो बार आप बोलेंगे ना तो आपको जल्दी से याद होगा। चलें अपन आगे, ठीक है। अब आती है इसको याद करने की ट्रिक की बारी, और ये सिंबल जो है इसी सिंबल के माध्यम से आप सुदर्शन झील को याद कर पाएंगे। कैसे? तो देखिए, बहुत ही आसान है। जनरली जो भी पानी का इलाका होता है, नदियों का इलाका होता है, समुद्र का इलाका होता है, वहां पर कुछ युवा हमें दिखे, एक ट्रिक के माध्यम से बता रही हूं, कुछ युवा हैं बैठे हुए थे और चरस गांजा का सेवन कर रहे थे। सुनिएगा, ये बहुत गलत बात है, ठीक है। आप किसी झील के पास बैठकर चरस ले रहे हैं तो इस पर बैन है और ऐसा कोई काम हमें नहीं करना है। तो सुदर्शन झील के पास में कुछ बंदे चरस खा रहे थे, चरस पी रहे थे, और यही आज की ट्रिक है, यानी झील के पास बैठकर चरस का यूज नहीं करना है। मतलब चरस, तो चरस को हमें लिखना है च अ र स। क्या लिखना है हमें? चरस, चरस है। इसमें हमें ए भी लिखना है, ए साउंड को भी इंक्लूड करना है। और इन्हीं चार शब्दों से, इसी एक शब्द से हमें, या फिर चार वर्णों से हमें पूरा का पूरा, यानी सुदर्शन झील के चार राजा याद हो जाएंगे। कैसे याद होंगे? तो आइए देखते हैं। देखिए, चरस है और चरस को हमें केवल याद करना है सुदर्शन झील से। तो देखो, च से पहला राजा जो बनेगा उसका नाम है चंद्रगुप्त मौर्य। क्या नाम है बच्चों? चंद्रगुप्त मौर्य। हम यहां मौर्य वंश में पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य। दूसरा ए, ऐसे हमारा नाम आ जाएगा ग्रेट सम्राट अशोक, ठीक है। अच्छा, अशोक का संबंध चंद्रगुप्त मौर्य से क्या है? तो ध्यान रखना, चंद्रगुप्त का पोता है अशोक, चंद्रगुप्त का बेटा है, क्या नाम है? बिंदुसार। क्या नाम है? बिंदुसार। और चंद्रगुप्त के बेटे का नाम बिंदुसार है और बिंदुसार के बेटे का नाम क्या है? अशोक, ठीक है। अभी हम इसके बारे में थोड़ी चर्चा भी करेंगे। तीसरे नंबर पर जैसे चंद्रगुप्त बन गया, बहुत ही सिंपल याद कर लिया, ऐसे अशोक बन गया, और भी सिंपल हो गया। अब दो बच गए, च अ र स, और वैसे बनेगा रुद्रदामन। क्या बनेगा? रुद्रदामन। और से बनेगा स्कंदगुप्त। क्या बनेगा?
स्कंद गुप्त। तो देखिए इन चार राजाओं के समय या इन चार राजाओं से सुदर्शन झील का क्या है संबंध है, और अब ये हमें च रस है हमेशा के लिए चरस से याद हो गया। एक बात और विशेष तौर पर आप ध्यान रखिएगा, इन चारों राजाओं के समय गवर्नर्स भी हैं, यानी किस गवर्नर ने किस मंत्री ने इसका निर्माण कराया। तो हमें जो याद करना है अभी हमें याद करना है चंद्रगुप्त मौर्य, यानी चंद्रगुप्त मौर्य के समय जो राजा जो भी गवर्नर थे जिन्होंने सुदर्शन झील का निर्माण कराया उनका नाम विशेष तौर पर आप ध्यान रखना, और नाम है पुष्यगुप्त वैश्य। इस बात को मैंने क्यों कहा आप इसको ध्यान रखना, आप इसको इसलिए ध्यान रखना क्योंकि पुष्य मित्र शुंग के नाम से भी एक राजा है हिस्ट्री में, तो दोनों में कंफ्यूजन नहीं हो जाए। तो पुष्य गुप्त वैश्य, ठीक है ना, इसे विशेष तौर पर ध्यान रखना। और इसे भी अगर हम याद करना चाहें तो याद कर सकते हैं, कैसे देखिए, मान लो एक बहुत अच्छी सी झील है, झील का नाम क्या है, झील का नाम है सुदर्शन झील, और यहां पर इस झील में दीपक है और कुछ फ्लावर है, दीपक में कुछ दीपक है और कुछ क्या है फ्लावर है, यानी पुष्प है फूल है, और फूलों को ही हम क्या कहते हैं पुष्प, तो इससे हमें बहुत अच्छे से याद हो जाएगा पुष्य गुप्त वैश्य। ध्यान रखना पुष्य गुप्त वैश्य, गलती से भी पुष्य मित्र शुंग नहीं करना है, दो राजा हैं, ठीक है। तो चरस्य हमने बहुत अच्छे से सुदर्शन झील याद की। अब थोड़ा सा हम कुछ राजाओं के बारे में जानते हैं। देखिए ये जो आपने पढ़ा था चंद्रगुप्त मौर्य, ये कौन है, ये है मौर्य वंश का, कौन से वंश का है ये, मौर्य वंश का। अब सबसे पहले तो मौर्य वंश जो है इसका संस्थापक कौन है, हम सभी जानते हैं जिसकी हमने झील पढ़ी, तो नाम है संस्थापक का नाम क्या है, संस्थापक, तो संस्थापक का नाम है चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। पूरा मौर्य वंश जो है इसमें संस्थापक अगर हम पढ़ें तो कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। देखिए जब भी हम मौर्य वंश पढ़ते हैं तो हम तीन राजाओं के बारे में ही पढ़ते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य, इनका बेटा बिंदुसार, मैं वापस कह रही हूं बिंदुसार, क्योंकि बिंबिसार भी एक राजा है, तो कंफ्यूजन मत हो जाना, मैं आपको वापस समझा रही हूं, ठीक है ना, बिंदुसार, बिंबिसार नहीं बिंदुसार। तो चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा कौन है, बिंदुसार, ओके। बिंदुसार का बेटा कौन है, अशोक, ठीक है। तो यहां पर हम तीन ही राजा पढ़ते हैं मौर्य काल में या मौर्य वंश में। अब अगर एक क्वेश्चन आए कि बताइए मौर्य वंश का संस्थापक तो चंद्रगुप्त मौर्य है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन है, तो विशेष ध्यान देने योग्य बात यहीं पर है। तो मौर्य वंश का अंतिम राजा बहुत ही बड़ा आदमी था, है ना, अंतिम राजा कौन है, बहुत ही बड़ा व्यक्ति था, और इतना बड़ा था कि हमें नाम भी याद नहीं है, तो इसका आंसर है बृहदत्त। नाम क्या है इसका, बृहदत्त। अब देखिएगा, अब जब भी आप इसे पढ़ें तो आपको क्या करना है, संस्थापक तो रिविजन नहीं करना है, क्योंकि संस्थापक आप सभी को पता है, मौर्य वंश पढ़ा हुआ है तो चंद्रगुप्त मौर्य, इतना तो कॉमन सेंस लगा ही लेंगे। लेकिन हां अब बार बार आपको किस बात पर फोकस करना है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, और उसका नाम है बृहदत्त, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मौर्य वंश की राजधानी क्या थी, तो मौर्य वंश की जो राजधानी थी वो थी पाटलिपुत्र। राजधानी क्या थी, पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र। और ध्यान रखना इसी पाटलिपुत्र में एक जगह है जिसका नाम है कुसुमपुर, और उसी कुसुमपुर में चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म हुआ था, और इसी वजह से इन्हें पाटलिपुत्रक भी कहा जाता है, यानी पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म हुआ और इसी वजह से इन्हें क्या कहा जाता है, पाटलिपुत्र। आगे बढ़ते हैं, अच्छा इस पूरे मौर्य वंश का राज चिन्ह क्या था, तो इस पूरे मौर्य वंश का राज चिन्ह, राज चिन्ह था मयूर, नाम ही मौर्य है ना, तो क्या नाम था, मयूर, ये लीजिएगा।
अच्छा, आगे अगर हम पढ़ना चाहें तो मौर्य वंश की जानकारी के विभिन्न सोर्स हैं, बहुत सारे सोर्स हैं, और हम कुछ विशेष सोर्स को यानी स्रोतों को पढ़ते हैं, ध्यान रखना। देखिए, मौर्य वंश में बहुत सारे सोर्स हैं, जैसे एक तो है इंडिका, एक पुस्तक है इंडिका, इस इंडिका से भी, इस पुस्तक इंडिका इंडिका से भी मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है, एक बार हम देखते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी जो बुक है इंडिका, किसने लिखी थी वो बताएंगे। एक और बुक है जिसका नाम है मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस, इस किताब के माध्यम से भी हमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। और सुनिए, अब जो मैं तीन नाम लिखने जा रही हूं उसे विशेष तौर पर सुनना, मैं तीनों नाम एक साथ ही लिख रही हूं क्योंकि ये नाम बहुत ही कंफ्यूजन है। तीन किताबें हैं, एक बुक का नाम है वृहद कथा मंजरी, क्या नाम है, वृहद कथा मंजरी। एक बुक का नाम है वृहद कथा कोश, वृहद कथा कोश, और एक बुक का नाम है ओनली कथा कोश। आप देखिएगा जो नीचे की तीन बुक्स है, तीन चार और पांच, उनमें कितनी सिमिलरिटी है नामों में, कैसे, दोनों में तो वृहद आ रहा है, तीनों में कथा आ रहा है, और दो में कोश भी आ रहा है, तो अब हमें इन्हें याद करना है। चलिए करें शुरू। तो सबसे पहले जो हमने स्टार्टिंग में लिखा है इंडिका, तो ये हम सभी को पता है, और इंडिका जो बुक है वो किसकी है, ये है मेगस्थनीज की। अब ये मेगस्थनीज जो है ये कौन है, तो ध्यान रखना, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला दूत है ना, राजदूत जिसे आप बोल सकते हो और दूत बोल सकते हो। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला पहला दूत जो था उनका नाम क्या था, मेगस्थनीज, और उन्हीं मेगस्थनीज की जो बुक है उसका नाम क्या है, इंडिका। दूसरी जो किताब है उसका नाम है मुद्रा राक्षस। अब देखो, मुद्रा मतलब पैसे, अब पैसे का जो नोट होता है ना, मान लो ये मैंने मुद्रा ले ली, अब ये मुद्रा है ना बहुत बड़ी है भाई, सही बात है, आज के जमाने में पैसा ही बड़ा है, ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो देखो मुद्रा राक्षस, मुद्रा बहुत ही बड़ी है, बहुत ही वहद है। चलिए, तो मुद्रा राक्षस की जो रचयिता है, बड़ी है, विशाल है, तो विशाल से हो जाएगा विशाखा दत्त, कि भाई मुद्रा जो है ना बहुत ही विशाल है, बहुत ही बड़ी है, तो मुद्रा राक्षस की जो रचयिता है उनका नाम क्या है, विशाखा दत्त। अब ये तीन किताबों को ध्यान से समझ लो, पहली है वृहद कथा कोश, वृहद कथा मंजरी, तो वृहद कथा मंजरी बुक के राइटर है उनका नाम है शेमेंद्र, क्या नाम है, शेमेंद्र। वृहद कथा कोश इस किताब के नाम, इस किताब के रचयिता हैं, उनका नाम है हरिभद्र सूरी, हरिभद्र सूरी, और ओनली कथा कोश के राइटर का नाम है, उनका नाम है श्री चंद। अब हम इनको याद कर लेते हैं। देखिएगा भाई, इंडिका तो मेगस्थनीज की है, ये बहुत ही कॉमन सा जो है ये हमें याद हो जाएगा, और मेगस्थनीज किसके दरबार में आए थे, तो मेगस्थनीज दरबार में आए थे चंद्रगुप्त मौर्य के, ठीक है। मुद्रा राक्षस, मुद्रा बड़ी ही विशाल है, तो विशाल का मतलब हो जाएगा विशाखा दत्त, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अच्छा, बृहद कथा मंजरी, अब इसमें आप मंजरी ले लो, कि मंजरी कोई मतलब, मंजरी छोटी सी कोई बच्ची है, बच्चा है, तो उसको हमने देखकर बोला कि शेम शेम, आप पढ़ के नहीं आते हो, या आप जो भी है आप पढ़ाई नहीं करते हो, शेम शेम ऑन यू। तो मंजरी नाम की लड़की को हमने क्या कहा, शेम ऑन यू, पढ़ के नहीं आते हो, तो शेम का मतलब क्या हो जाएगा, शेमेंद्र। वृहद कथा कोश, अब हर किसी के पास बहुत बड़ा कोश होता है, हर के पास होता है, हर व्यक्ति के पास होता है, हर व्यक्ति के पास अपना बहुत बड़ा क्या होता है, कोश होता है, तो वृहद कथा कोश, और हर व्यक्ति के पास में, तो हर से हमें एग्जाम में रिकॉल हो जाएगा हरिभद्र सूरी, कथा कोश। अब जो भी व्यक्ति कथा वाचन करते हैं उनके पास जो कोश होता है उसे कहते हैं चंदा, कि बाबा जी आपको चंदा कितना मिला, ठीक है ना,
भाई जिन जो भी व्यक्ति कथा का वाचन करते हैं उनके पास जो एकत्रित कोष होता है उसे वो कहते हैं कि ये कोष नहीं है, चंदा है, ये तो हमें चंदा दिया है। तो चंदा से हमें याद आ जाएगा चंद्र, और चंद्र से क्या याद हो जाएगा, श्री चंद। देखो हमने कितने अच्छे से याद किया। हमने शुरुआत की थी कहां से, सुदर्शन झील से, और जो भी हमने यहां पढ़ा है चाहे थोड़ा पढ़ा हो चाहे ज्यादा पढ़ा हो, हमने अधिकतर ट्रिक्स का ही यूज किया है। कैसे, देखिए, अब जब भी आपको सुदर्शन झील का नाम याद आएगा तो आपके दिमाग में आ जाएगा चरस, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य, साथ साथ बोलना है आपको एक बार, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य, ऐसे ऐसे अशोक, वैसे वैसे रुद्रदामन, और सैसे क्या हो जाएगा, स्कंदगुप्त। ठीक है, विशेष तौर पर एक बात और ध्यान देने के लिए मैंने आपसे कहा था कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जब सुदर्शन झील का निर्माण होता है तो उस समय कौन गवर्नर थे जिन्होंने इसका निर्माण कराया, तो गवर्नर का नाम क्या था, पुष्य गुप्त वैश्य। और मैंने आपसे कहा था कि इसके ऊपर आपको बहुत ज्यादा हाईलाइट करना है क्योंकि एग्जाम में ऑप्शन में पुष्य गुप्त वैश्य भी दिया जाता है और पुष्य मित्र शुंग भी दिया जाता है, तो आपको मित्र के चक्कर में नहीं पड़ना है और पुष्य गुप्त वैश्य आंसर लगाना है। कौन सी दो नदियों का पानी रोककर बांध बनवाकर सुदर्शन झील का निर्माण कराया गया, तो नदियों के नाम थे पलासिनी और दूसरी नदी का नाम था सुवर्ण सिक्ता रिवर। ठीक है, चलिए इसके अलावा हमने और क्या पढ़ा, हमने थोड़ा सा जाना था मौर्य वंश का इतिहास, संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य हैं सभी को पता है, लेकिन याद क्या करना है कि भाई इसका अंतिम राजा कौन था, बहुत ही बड़ा आदमी था, बहुत ही बड़ा राजा था, तो बड़े से क्या हो जाएगा, वह दत्त। राजधानी पाटलिपुत्र है, और जब मैंने आपको पाटलिपुत्र बताया तब ये भी बताया था कि चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म ही कुसुमपुर में हुआ, और कुसुमपुर कहां पड़ता है, पाटलिपुत्र में, और इसी वजह से चंद्रगुप्त मौर्य की एक उपाधि भी है जिसका नाम क्या है, पाटलिपुत्र। ओके, चिन्ह क्या है, मयूर, नाम ही है ना मौर्य वंश, तो चिन्ह क्या हो जाएगा, मयूर। फिर हमने कुछ बुक्स पढ़ी थी जिनमें से हमने एक बुक पढ़ी थी मुद्रा राक्षस, और मुद्रा कैसी थी, बहुत ही विशाल, तो विशाखा दत्त की हो जाएगी, इंडिका मेगस्थनीज की हो जाएगी। अब आती है तीन बुक, अच्छे से समझ लो, बृहद कथा मंजरी शेम, ठीक है, शेमेंद्र, बृहद कथा कोश हर के पास होता है हरिभद्र सूरी, और ओनली कथा कोश, कथा करने वालों के पास जो कोश होता है वो कहते हैं ये चंदे में आया है, तो चंदे से क्या हो जाएगा, श्री चंद। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, आगे हम इसे और पढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।